उसमें यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको पेज इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पर 4% डिक्लाइन होकर 886 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, इसी की वजह से यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 24% गिरकर 115 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए, जो क्वार्टरली बेसिस पर जो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है, उसी की वजह से यहाँ पर आज आपको पेज इंडस्ट्रीज का शेयर अराउंड 2% डाउन दिख रहा है। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो रेवेन्यू भी यहाँ पे 60% बढ़कर, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस यहाँ पर एकदम अच्छा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 60% बढ़कर 886 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और इतना रेवेन्यू बढ़ने के बाद जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3 times से भी ज़्यादा हो चुकी है। 270% का ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। लेकिन मार्केट को पहले से पता था कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ था तो वहां से मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि 10% का मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू गिरा और उसके बावजूद यहाँ पे फिर हमको नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली, तो फिर मार्केट ने फिर ऑटोमेटिकली स्टॉक को पनिश किया है। अब ये देखिए 35,509 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये आपको हमेशा ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सप्लाई मार्केट में कम है, तो जैसे इनिशियल डिमांड क्रिएट होती है तो अच्छी खासी यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा खासा वहाँ पर शेयर बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है मतलब और सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर बिजनेस ने रेवेन्यू में दिखाया है। ऑल्दो पिछले साल जो लास्ट क्वार्टर था बिजनेस का, उसमें कम जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम थी, इसीलिए यहाँ पे हमको 340 करोड़ का प्रॉफिट ही देखने को मिला था। तो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फिर से नॉर्मल लेवल पर आ चुकी है। अब ये देखिए 31,345 पे यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 36,095 का इसका हाई है। तो अगर आप देखोगे अराउंड 15-18% ये शेयर अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, मेरे ख्याल से एक ब्रांड वैल्यू भी इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर बनाता है, लेकिन अभी देखा जाए तो कुछ टाइम से जो अगर हम बात करेंगे तो जितनी ग्रोथ यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज ने दिखा दी है, तो यहाँ पर अब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर आप बिलीव नहीं कर सकते। अब ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक हो जाएगा, मतलब यहां पे आपको 10-12% के रिटर्न अगर आपको पर ईयर के चाहिए, मतलब अगर आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का अगर आपका अप्रोच है तो आप मेरे ख्याल से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। क्योंकि तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब पेज इंडस्ट्रीज अब ऐसे लेवल पर आ गया है कि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि 30-35% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर कंपनी अगर ऐसे लेवल पर पहुँचने के बाद भी अगर 40-50% की ग्रोथ अगर दिखाती है तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे 100% इसको रिवर्ड देगा। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको पेज इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, और हाँ अभी कंपनी ने ऐसा बोला भी है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 250 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है, तो फिर उन्होंने बोला कि 250 रुपीज का डिविडेंड दे दिया है तो अब हम कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको पेज इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।